जम्मू कश्मीर जो है एक मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल यूटी है और यहाँ पे कई ज़बानें बोली जाती हैं जिनमें कुछ ज़बानें ऐसी हैं जो दूर दराज इलाकों में बोली जाती हैं। तो उन लोगों को एक ऐसा मौका मिला यहाँ पर आने का और परफॉर्मेंस करने का, और इस परफॉर्मेंस की बदौलत जो हमारा कल्चर है कितना रिच है और क्या इसका पोटेंशियल है और क्या डेप्थ है, ये लोगों को यहाँ आकर पता चल गया। तो आप समझते हैं इस तरह के कसीरोलसानी प्रोग्राम्स जो है वो मुस्तकबिल में भी मुनक्किद होने चाहिए। ये G20 एक ऐसा इवेंट था जो कि आया और चला गया। इसकी बदौलत जो है कई चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, और वो उनमें से सबसे बड़ी बात जो है कि हमने पहली बार देखा कि अगर काम करने का इरादा हो, पक्का हो, पुख्ता हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन इस टेम्पो को बरकरार रखने से ही वो मकसद हासिल हो जाएगा जिस मकसद के लिए यहाँ पे ये G20 की कॉन्फ्रेंस, जो टूरिज्म का वर्किंग ग्रुप है G20 का, उसका जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, थर्ड कॉन्फ्रेंस थी, तो उसका मतलब और उसका मुद्दा तभी हासिल होगा जब ये जो काम हमने देखा इन दिनों में कि किस हंगामी बुनियाद पे किया गया, इफ़ दैट पोटेंशियल एंड इफ़ दैट टेम्पो इज़ कंटिन्यूड, देर इज़ नो डाउट दैट जम्मू एंड कश्मीर एंड पर्टिकुलरली आई स्पीक अबाउट द वैली, यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल यकसर बदल जाए। देखिए, कोई ऐसी पेशरफ जब हो जिसको कि सही मानों में देखा जा सके कि लोगों को वो फ्रीडम या वो आज़ादी या वो मौका मिलता है या मौके मिलते हैं जहाँ पे वो अपनी जो आरा है या अपनी जो ख्वाहिशें हैं या अपनी जो चाहते हैं या अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होती हुई नज़र आएं, तो इससे ज़्यादा खुशाइन बात मैं कह सकता हूँ कि इतने सालों के बाद नहीं हो सकती है कोई। और अगर ये बराबर जारी रहे और पीपल फ्रेंडली जिसको माहौल कहते हैं, जो अब की बार देखने को मिला कि बंदिशें नहीं थी, लोगों के आने जाने पे कदगन नहीं थी, कई चीज़ें ऐसी थी जिनको करना नागुजीर था, जैसे स्कूली बच्चों को इन दिनों छुट्टियां मिल गई क्योंकि ट्रैफिक का ज़बरदस्त दबाव है। और अगर जब हम कुल्हम बात करते हैं श्रीनगर सिटी की, तो इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रैफिक का है, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो भी मनसूबा साजों ने किया उसके नतायज आगे ही देखने को मिलेंगे।